वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवण्या गेमिंग। गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वाले एपिसोड में हमने डायमंड ढूंढने की कोशिश की थी, बट हमें डायमंड्स नहीं मिल पाए थे। बट आज के एपिसोड में हम डायमंड ढूंढना कंटिन्यू नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में हमें सबसे पहले अपने लिए फार्म बनाना है, वीट का फार्म बनाना है, क्योंकि हमें ऐसे खाना बनाने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है अपने हंगर को कंट्रोल करने के लिए। बट हमें हंगर को कंट्रोल करने के लिए खाना खाना है, हमें एनिमल्स को मारना पड़ता है, एनिमल्स को ढूंढना पड़ता है, उनको मारना पड़ता है, फिर और उसको खाने को स्मेल्ट करना पड़ता है। लेकिन उससे अच्छा है कि सीधे हम वीट का फार्म बना लें, फिर वीट के फार्म से हम वीट कलेक्ट करके उनके ब्रेड बना लेंगे। तो आज सबसे पहले हम वीट का फार्म बनाएंगे, तो सबसे पहले उसके लिए मटेरियल उसका कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमें अगर वुड चाहिए, लेकिन हमारे पास वुड नहीं है, हमें वुड क्राफ्ट करनी पड़ेगी। वुड क्राफ्ट नहीं, मतलब तोड़ के लानी पड़ेगी वो क्लॉक्स। उसके लिए सबसे पहले मैं ये जो पहले पुराना वाला सामान था ये मैंने डाला ही नहीं था, माइन वाला, ये पहले डाल देता हूँ पिछले एपिसोड के। इसके अंदर इसको डालते हैं, आई थिंक मैंने फर्नेस के अंदर डाला था वुड शायद से। पहले चेक करते हैं इसको रख के सारे सामान को। ये भी है 38 वुड लॉक्स, बट और भी चाहिए। नहीं, आयरन है हमारे पास, आयरन के पहले एक्स बना लेते हैं। इससे स्टिक्स मेरे पास ऑलरेडी है, तो सबसे पहले इससे आयरन की एक्स बना लेते हैं हम अपने लिए। हमने आयरन की एक्स बना ली है, चलते हैं सबसे पहले सामने। हम तोड़ के आते हैं, सामने जंगल है हमारा जहाँ से हम वुड तोड़ के आएंगे। गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। खाना खा लेते हैं। तो गाइस, मेरे को पेट से लॉक तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपसे पेट से लॉक तोड़ने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस, हमने थोड़े बहुत लॉग्स कलेक्ट कर लिए हैं, अब चलते हैं वापस और हमें ग्रास तोड़ के सीड्स भी कलेक्ट करने हैं। तो पहले चलते हैं और वापस से पानी में गिर गया, ये तोड़ते हैं ऐसे सीड्स। ऐसे बहुत ज़्यादा ये तो ग्रास तोड़नी पड़ेगी, और किन कहीं से ही सीड मिलता है, जैसे इससे सीड मिला मेरे को। और गाइस, अगले एपिसोड में डायमंड्स ढूंढने जाएंगे, और उसके अगले एपिसोड में हमने अपना एनिमल का फार्म बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको और नोटिफिकेशन को भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब नई नई वीडियो आए। तो गाइस, मैं पहले सारे सीड्स कलेक्ट करके करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, मैं अभी सीड्स तोड़ रहा था, तो मेरे को बीच में एक डॉग मिला, तो मैं अभी घर पे वापस आया हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वेंटरी में बोन थी, तो मैंने उसको चेस्ट में स्टोर कर दिए थे। ये रहे दो बोन्स, इसको लेता हूँ और फटाफट चलते हैं उस डॉग के पास, नहीं तो वो भाग जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, मैंने उस तरफ देखा था, वहाँ पे अंदर फॉरेस्ट में चला गया होगा। जाना पड़ेगा मेरे को फॉरेस्ट के अंदर ही, घूमना हो जाओ फिर घर गुम हो जाएगा मेरा, घर नहीं मिलेगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिल जा मिल जा मिल जा, यहीं कहीं होना चाहिए था, मैंने इसको लास्ट टाइम यहाँ पे देखा था, यहाँ पे किधर गया किधर गया। मिल जा प्लीज 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 डॉगी, मिल जा।
ये तो चिकन है, मेरे को लगा डॉग है। मिल जा मिल जा। वैसे वो डॉग नहीं होता, वो वुल्फ होता है। मैं बार बार डॉग बोल रहा हूँ। मिल जा। गाइस मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। ये किधर चला गया? नहीं है यहाँ पे कहीं। शिट यार, पता नहीं यहीं पे तो था। एक तो मैं पानी में गिर गया। इसको तोड़ो। शवल तो है मेरे पास, मैं बोन से क्यों तोड़ रहा हूँ? निकल गया बाहर। तो गाइस बैक टू वर्क, मैं सीड्स कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मटन है और डॉग वुल्फ शीप को मार के खाना लेता है उससे, तो यहीं पे होना चाहिए था उस हिसाब से। तो मिस कर दिया मैंने को, मिस कर दिया। चलो गाइस बैक टू वर्क, सीट कलेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़े से। तो गाइस मैं पहले सीट कलेक्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस मैंने टोटल 28 चीज़ कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब सबसे पहले फार्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले ओ ये फेंस बनाने पड़ेंगे सबसे पहले, और एक हो भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बनाते हैं फेंस। और फेंस के लिए हमें स्टिक्स भी बनानी पड़ेंगी। 17 स्टिक्स, 25 स्टिक्स आर इनफ। तीन 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 कितने हुए? 18 हो गए हैं, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। और मैं डार्क वुड ओक प्लैंक्स बनाऊंगा इससे, और हम ले लेते हैं। अब कितने हुए? 36। 36 बहुत हैं। एक ट्रैप डोर, एक वो ट्रैप डोर बोल रहा हूँ, गेट भी बना लेते हैं। और बाकी एक हो बनानी है, उसके लिए भी आयरन लेना पड़ेगा। आयरन मेरे पास ऑलरेडी है। सबसे पहले तो से हो क्रिएट करते हैं, उसके लिए स्टिक्स बनानी पड़ेंगी। और तो ये रही हो को ले लेते हैं हैंड में। और जितना भी हमें, पहले खाना भी खा लेते हैं। और सबसे पहले अभी हमें एरिया सिलेक्ट करना, इस एरिया पे बनाते हैं हम। यहाँ पे अपने घर के बिल्कुल साथ ही, यहाँ पे छः। तो गाइज ये कम पड़ गए हैं फेंस, तो और बनाने पड़ेंगे फटाफट से। और फेंस बना लेते हैं। ये रहा क्राफ्टिंग टेबल। और 18 और बना लिए हैं, 18 और थोड़ी सी और बना लेते हैं। क्या पता ये कम पड़ जाए, इसलिए थोड़ी सी और बना लेते हैं। ओके फेंस बना लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी यहां से आ रहे तो यहां से ही करते हैं कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब इसको आगे अगला बच्चा दे। तो थोड़े से बच्चे हैं अब, ये मेरे उसमें ही काम आ जाएंगे, मतलब एनिमल फार्म बनाने में काम आ जाएंगे। गेट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और हमें पानी भी चाहिए सबसे पहले, तो उसके लिए वाटर बकेट क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और हमें एक शव और हमें एक मेरे पास एक आइडिया है जिसके लिए पानी ज़्यादा ज़्यादा स्पेस हम यूज़ कर पाएंगे। पानी हमने ऊपर नहीं डालना, पानी हमने डर्ट के नीचे डालना है। इसके आयरन मेरे पास, मेरे को पहले आयरन स्मेल्ट करना पड़ेगा। तो आयरन मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया है। तब तक मैं जाके वहाँ पे वो एरिया शवल से यहाँ पे एरियाज में एक बार खोद देता हूँ, एरिया खोद देता हूँ। ये रही शवल। और तो गाइज मेरी अभी शवल टूट गई है, मेरे को दोबारा से एक और नई क्रिएट करनी पड़ेगी। चलते हैं दोबारा वापस से। यहाँ पे 17 आयरन है, 18 और ये 19 इंगट हो गए हैं। बकेट भी बना लेते हैं साथ में अपने लिए, वो भी बना लेते हैं शवल। ये दो शवल बना लेते हैं और जितनी बकेट बनती उतनी, 5 बकेट। ठीक है चलते हैं, पहले सबसे पहले वो ये कर लेते हैं, खोद लेते हैं जगह, फिर उसके बाद पानी लेके आएंगे सी से। रात है तो गेट भी नहीं दिख रहा। ये रहा, यहाँ पे फिलहाल के लिए एक ब्लॉक लगा के चलते हैं, सबसे पहले सो जाएंगे, फिर उसके बाद आके करते हैं, सुबह उठ के सारा काम करते हैं।
सुबह हो चुकी है गाइस। सबसे पहले बकेट से पानी ले लेते हैं। इधर क्रीपर वीपर भी हो सकते हैं। रात को मैं ज़्यादा देर तक काम कर रहा था। क्रीपर वीपर भी हो सकते हैं, ऐसे स्पॉन हो गए होंगे, नहीं तो वो स्पॉन नहीं होते, जल्दी सो जाओ। तो बकेट ले लेते हैं, यहाँ से पानी ले लेते हैं, यहाँ से ही ले लेते हैं। सी में क्यों जाना, जल्दी हो जाएगा। चलो फटाफट, छोटे से जंप ही मार देते, जंप नहीं बजा, लेकिन दोबारा से ट्राई करते हैं, देखते हैं बचते कि नहीं। बच गया, तो ये हो गया। इधर सबसे पहले ऊपर चलते हैं। अब क्राउच करके ऊपर तो गाइस मैंने यहाँ पे डर्ट ब्लॉक्स तो लगा दिए हैं, लेकिन अभी हमें हो यूज़ करके इसको इसको सीड्स ऐसे डलते नहीं है इसके ऊपर, उसके लिए हमें हो यूज़ करनी पड़ती है फार्म बनाने के लिए। तो नहीं, अभी ही तोड़ लेता हूँ, पहले मैं अभी वीडियो, अब मैं आपसे मिलता हूँ सारे सीड्स कलेक्ट करने के बाद। तो गाइस मैंने सीड्स कलेक्ट करके और फार्म में लगा भी दिए हैं। तो गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा फार्म। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।